हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एरे का प्रयोग करके कई सारे नंबर्स का एडिशन एक साथ करा सकते हैं बहुत थोड़ा सा लिख करके। चलिए स्टार्ट करते हैं टर्बो आईडी को और इसी पर हम कोडिंग करेंगे। अच्छा यही है कि सी लैंग्वेज सीखने के लिए आप टर्बो आईडी का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर हम ये जो लिखा हुआ है उसको पहले हटा लेते हैं, इसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोनियो डॉट एच लिखा हमने और अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। वाइड मेन, वाइड एक कीवर्ड है, मेन हमारा मेन फंक्शन है, इसके बिना हमारा प्रोग्राम एक्सिक्यूट होगा नहीं। तो मेन फंक्शन बना लिया हमने, इंटीजर टाइप का एक हम डेटा टाइप ले लेते हैं और एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और हम पहले 5 नंबर्स का एडिशन कराएंगे, फिर आगे चल करके हम देखेंगे। अब देखिए जैसे 5 नंबर का एडिशन कराना है तो यहाँ आप सिर्फ 5 लिखिए, अगर आपको 50 नंबर का एडिशन कराना है तो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 50 लिखिए, अगर 500 नंबर का एडिशन कराना है तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप 500 लिख दीजिए। जितने नंबर का आपको एडिशन कराना है यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं 5 लिखता हूँ। फिर आई नाम का एक वेरिएबल लूप चलाने के लिए बनाता हूँ और सम नाम का एक वेरिएबल जिसे मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0 से, ये बना लिया हमने। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे CLR SCR। ये लिखने के बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब हमें printf लिखना होगा क्योंकि स्क्रीन पे हमें क्या दिखाई दे वो printf ही डिसाइड करता है। इंटर 5 नंबर्स, ठीक है, स्क्रीन पे हमें यही मैसेज दिखाई पड़े तो ये हमने दे दिया। अब हम यहाँ पे लूप लगाएंगे क्योंकि यूजर से इंटर कराना है, ठीक है, तो यूजर क्या इंटर करेगा, कुछ भी इंटर कर सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ लूप लगाते हैं और आई की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करते हैं। आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, आई प्लस प्लस कर देंगे। नीचे आएंगे, स्कैनफ लगाएंगे, ये स्कैनफ लगा दिया हमने, परसेंट डी चूंकि इंटीजर है तो परसेंट डी एड्रेस ऑफ एक्स आई, ठीक है, ये हमने कर दिया। और यहां पे अब नीचे आएंगे तो यहां फिर फॉर लूप लगाते हैं हम, फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन और इक्वल टू, I इज लेस देन और इक्वल टू 5, I प्लस प्लस, ठीक है। अब यहां पर जब आएंगे तो फिर यहां हमें लिखना होगा सम इज इक्वल टू, चूंकि सम इज इक्वल टू सम, एक मिनट पहले यहाँ पे एक काम करते हैं हम, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स आई, ठीक है, ये हम लिख दिया, हमने डिफाइन कर दिया इसे। अब यहाँ पर आएंगे तो printf लिखेंगे, printf, ठीक है, और परसेंट डी इज सम, बंद किया, और ये सम कहाँ जाके स्टोर होगा, ये सम स्टोर होगा सम में, तो यहाँ सम लिख देते हैं और यहाँ गेट सी एच और यहाँ पे इसको क्लोज किया। अब इसको सेव करने का वक्त है, सेव करते हैं, कोई नाम दे देता हूँ, डॉट सी लगाना ज़रूरी है, ये पहले से मौजूद है नाम तो कोई और नाम देते हैं। CCC.C कंपाइल करवाता हूँ, कंपाइल हो गया, रन करवाता हूँ, ये रन हो गया, देखते हैं कितने नंबर एंटर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे चूंकि 6 नंबर एंटर हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें बदलाव क्या करना है, यहाँ पर हमने जो 5 लिया है ना, अगर हमें 5 नंबर का ही एडिशन कराना है तो यहाँ पे हमें 4 कर देना होगा, ठीक है। कारण क्या है कि एरे का एड्रेस जो है 0 से स्टार्ट होता है, इसी वजह से हमें यहाँ 4 रखना होगा और ये जो लूप चला रहे हैं हम वो 4 तक ही चलाएंगे, 5 तक नहीं चलाएंगे, 4 तक चलाएंगे, तो हमारा ये प्रोग्राम बन करके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब ये हो गया 4, अब हमें इसे सेव करना है तो यहाँ F2 दबा के मैं सेव कर लेता हूँ और अब इसको रन करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 6, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 नंबर का एडिशन होके आ गया, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं, अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि 10 नंबर का एडिशन होकर आए, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 लिख देंगे, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 9 लिखा हमने। ये लूप भी हमें वहीं तक चलाना होगा जहाँ तक हम एडिशन कराना चाहते हैं, तो यहाँ 9 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 9 लिखिए। बस F2 दबा के इसे सेव कर लेता हूँ और कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10, 10 अंकों का एडिशन होकर आ गया, आप देख सकते हैं इसको। तो ये हमने एरे का यूज़ करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे हम एडिशन करा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि कैसे एरे का यूज़ करके हम एडिशन करा सकते हैं, चाहे जितने नंबर का हमें कराना हो उतने नंबर का हम एडिशन थोड़ा सा लिख करके कैसे करा सकते हैं, ये आपने देखा। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, अगर समझ में आए तो कुछ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।